वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अनुबंध आधार पर 2023-24 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदापुरम के अंतर्गत बीसी सुपरवाइजर की भर्ती, बीसी सुपरवाइजर की भर्ती यहाँ पे होना है। रीजनल ऑफिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नर्मदापुरम में है, यहाँ पे यदि लास्ट डेट की बात करें तो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं डिटेल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दो हिस्सों में रखा गया है, फॉर रिटायर्ड बैंक एम्प्लाइज एंड फॉर यंग कैंडिडेट्स। तो जो रिटायर्ड बैंक एम्प्लाई हैं उनके लिए किसी भी एनी बैंक, किसी भी बैंक में जो कि शेड्यूल्ड बैंक हैं, PSU, RRB, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उससे रिटायर हुए हैं उनके लिए रहेगा। रिटायर्ड क्लर्क्स एंड इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैविंग पास्ट JAIIB विथ गुड ट्रैक रिकॉर्ड उनके लिए भी रहेगा। एंड ऑल एप्लीकेंट्स शुड हैव रूरल बैंकिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 साल का ग्रामीण बैंकिंग का अनुभव होना चाहिए। अपर एज लिमिट इनके लिए 64 साल रहेगी। द मैक्सिमम एज फॉर कंटिन्यूशन ऑफ बीसी सुपरवाइजर विल बी 65 ईयर्स, और जैसे ही वो 65 ईयर्स के होंगे उनको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। यंग कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखते हैं ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट, एक्सेट्रा। यदि आपके पास ग्रेजुएशन विथ PGDCA है या DCA है तब भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएगी। और जिनके पास MSCIT, BEIT, MCA, MBA ये गिवन, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज 21 से 45 साल तक होनी चाहिए। द मैक्सिमम एज फॉर कंटिन्यूशन ऑफ बीसी सुपरवाइजर्स विल बी 60 ईयर, और ये 60 साल की अधिकतम आयु सीमा तक ये रहेगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कैंडिडेट जो यहाँ पे दिया हुआ है देख लें, द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट, उसी ज़िले का होना चाहिए जहाँ पे ये वैकेंसी पब्लिश हुई है, ये लिखा है यहाँ पे। और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, और बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या दिया हुआ है, तो सिलेक्शन ऑफ बीसी प्रोसीजर्स, तो इस सुपरवाइजर का जो सिलेक्शन होगा वो कम्प्लीटली इंटरव्यू प्रोसेस के आधार पर होगा। पहले 12 महीने का इसका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और ये परफॉर्मेंस के आधार पर रिव्यू होता रहेगा। दो तरह के टाइप सुपरवाइजर के यहाँ पे रहेंगे, कैटेगरी ए जिसमें अधिकतम BCs रहेंगे 25 से 30, और कैटेगरी बी में रहेंगे 20 से 25, यहाँ पे और दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का दिया है कि 30 डेज का नोटिस देकर आपको, यदि आपके पास ऐसा नॉन सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस, मिसबिहेवियर या इंडलजेंस इन एनी मिसअप्रोप्रिएशन, फ्रॉड्स बैंक, मतलब इस तरह का यदि कुछ एक्टिविटी पाई जाती है तो आपको नोटिस देकर वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या और कुछ है। रिम्यूनरेशन की बात करें दोस्तों, तो कैटेगरी ए के लिए यहाँ पे फिक्स्ड कंपोनेंट रहेगा 15,000 रुपये, वेरिएबल रहेगा 10,000 रुपये, और कन्वेंस अलाउंस रहेगा 4,000, मोबाइल इंटरनेट का 500 अलग से दिया जाना है। और यहाँ पे 12,000 रुपये ये वेरिएबल, 8,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस, 3,000 रुपये और 500 मोबाइल इंटरनेट का दिया जाना है। तो ये यहाँ पे ये सैलरी रहेगी। कन्वेंस अलाउंस के लिए दिया हुआ है विल बी पेड फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस 4,000 पर मंथ फॉर कैटेगरी ए, और 3,000 कैटेगरी बी सुपरवाइजर के लिए। इसी तरह मोबाइल का भी लिया लिखा हुआ है। लीव के लिए 3 डेज लीव ड्यूरिंग द मंथ्स एंड 30 डेज इन अ ईयर ये दिया रहेगा। यहाँ पे लीव इतना छुट्टियाँ मिल सकती हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों, तो इसमें 31/3/2023 तक एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बीसी सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये लिखना होगा आपको। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एप्लीकेशन सुपर स्क्राइबिंग करना होगा इनवेलप पे, और एड्रेस रहेगा रीजनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हरियाली चौक, ITI रोड, नर्मदापुरम 4610001, मध्य प्रदेश। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों कुछ नहीं रहेगी। फिर इसमें जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल आचार्यम में मैं इसको अपलोड कर दूंगा।
और दोस्तों यदि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उससे निकालना है तो फ्रेंड्स आप एक काम करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन करें और इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएं। ये रिक्रूटमेंट सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है रिक्रूटमेंट इंगेजमेंट ऑफ बीसी सुपरवाइजर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट रीजनल ऑफिस नर्मदापुरम होशंगाबाद और इम्पॉर्टेंट लास्ट डेट में दिया है 31 मार्च 2023, क्लिक हियर फॉर द डिटेल्स। दोस्तों जब आप यहाँ पे डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्मेट दोनों आपको प्राप्त हो जाएगा और इसको आपको ऑफलाइन मोड पे ही जमा करना होगा। फ्रेंड्स यदि चैनल पे नए